वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स के लिए, और अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने वर्ड के बारे में देखा किस तरह से हम उसको ऑफिस को अपडेट कर सकते हैं, मतलब ऐप अपग्रेड कर सकते हैं, हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, तो वही चीज आज हम देखेंगे। तो आप लोग से मेरा निवेदन है, खासकर जिन लोगों का नेट नहीं चल रहा है वे ज्वाइन होने की कोशिश नहीं करें, वो बार बार ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट होते हैं, मतलब नहीं है उससे कुछ। हम लोग भी उससे डिस्टर्ब होते हैं और आप लोग भी उसे डिस्टर्ब होते हो, तो फिर वो सही नहीं है। तो बात करेंगे सबसे पहले हमारा आज, तो पहले वर्ड ही शुरू करते हैं। चलिए अपना वर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं आज। वर्ड में देखेंगे रीडिंग कमांड्स देखेंगे, और वर्ड में लिखकर हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नई देखेंगे। वर्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम अपना लिख सकते हैं, अब टेक्स्ट खुद का लिख सकते हैं, कोई चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, कोई चीज़ को हम मतलब कि पढ़ सकते हैं, कोई रिज्यूम बना सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बहुत सारे काम वर्ड के अंदर किए जा सकते हैं। तो हम आज वर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं शुरू करेंगे किस तरह से हम वर्ड पे कुछ पढ़ सकते हैं हिंदी में। तो कल्पना की आवाज़ आपको सुनाई देगी। कौन ताजा डेस्क मीटिंग कौन उपन्यास आर ई डी एम आई है कर्म भूमि अलंक। तो हमारे पास खूब सारे उपन्यास है वर्ड में, मैंने काफ़ी सारे उपन्यास रखे हैं। तो जैसे हमारे पास है कर्म भूमि है, गबन है, गुनाहों का देवता माय फेवरेट उपन्यास धर्मवीर भारती का। तो सबसे पहले तो मित्रों ये बताइए मेरी आवाज और स्क्रीन रीडर की आवाज आपको आ रही है क्या, कोई भी एक म्यूट खोलकर मुझे बता दे जल्दी से ताकि रिकॉर्डिंग की जा सके। आ रही है स्क्रीन रीडर की आवाज, आ रही है मित्रों आपको? सर आ रही है। आ रही है, ठीक है, गुड। तो हम स्क्रीन रीडर की भी आ रही है, बिल्कुल। तो हम खोलते हैं गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती को, गुनाहों इसको मैं एंटर कर देता हूं। आइटम दृष्ट योर इंटरनेट कनेक्शन इज ओपन करते हैं। गुनाहों का देवता भाग 2 3 में 3। तो हम गुनाहों का देवता भाग 1 खोलेंगे, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। प्रकार संपादित करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है ये। तो हम इसको खोलते हैं गुनाहों का देवता भाग 1, एंटर करता हूं मैं। ओपनिंग वर्ड, वर्ड से ओपन हो रहा है गुनाहों का देवता भाग SOMSOLANKI है, ऑन हो गया, पढ़ते हैं। लेखक धर्मवीर भारती REDMI है REDMI, रिक्त। अगर रेडमी इस बार अगर आप ज्वाइन या लेफ्ट हुए तो मैं आपको निकाल दूंगा, इस ब्लॉक कर दूंगा आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस उपन्यास के नए संस्करण पर दो शब्द लिखते समय मैं समझ नहीं पा SOMSOLAN के अधिक, मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता उन सभी पाठकों के प्रति व्यक्त कर सकता हूं जिन्होंने इसकी कलात्मक अपरिपक्वता के बावजूद इसको पसंद किया है। चलिए ठीक है, तो अब हमने ये चीज पढ़ ली सारी, मैंने आपको कुछ लाइनें इसकी पढ़ के सुनाई आपको। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम रीडिंग कमांड हमारी क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम किसी अगर एक अक्षर हमें पढ़ना हो तो क्या करना है, और
एक हमें वर्ड पढ़ना है तो हमें क्या करना है, हमें एक लाइन पढ़ना है तो हमें क्या करना है, कौन कौन से ऑप्शन हम दबा सकते हैं, किसी वर्ड को सेलेक्ट करना हो तो हमें क्या करना है, तो काफी सारी चीजें हैं, देखते हैं शुरू से। सबसे पहले हम बाय अपरिपक्वता, अधिक मैं अपनी हार दी। इस उपन्यास के नए संस्करण पर दो शब्द लिखते के गुनाहों का देवता जिंदगी और रहन गुनाहों का देवता। तो सबसे पहले मैंने होम का बटन दबाया, तो होम का बटन दबाने से क्या हुआ, ये एकदम शुरू में आ गया हमारा जो है कर्सर इसका। तो अब शुरू में कर्सर आ गया तो हमको पहले रीडिंग करना है, जैसे हमें एक अक्षर रीडिंग करना है, एक अक्षर रीडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट एरो करेंगे, टेब 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 होम स्टिक का स्पेस दे वर्ता। एक गुनाहों का देवता, एक एक अक्षर को पढ़ रहा है ये। अगर हमें आप चाहते हैं कि ये पूरा जो है शब्द पढ़े तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो या फिर इंसर्ट प्लस राइट एरो से हम पढ़ेंगे। अगर हम एंड में ले जाते हैं इसको तो हम इसे लेफ्ट एरो से पढ़ेंगे। तो आपको शुरू से, क्योंकि हमारा कर्सर जो है आगे जाता है, जैसा ही हम कुछ लिखते हैं तो वो कर्सर आगे की ओर भागता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। शुरू से कर लिया हमने, कंट्रोल प्लस दबाते हैं का गुनाहों। देखिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से किया तो गुनाहों बोला, राइट एरो करता हूँ कंट्रोल प्लस का देवता लाइन फीड लाइन अगली टेब 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 लेखक धर्मवीर लेखक लेखक धर्मवीर धर्मवीर भारती भारती। ये एक एक चीज को आपको पढ़ के सुना रहा है। अब हमने एक पैराग्राफ एक हमने करेक्टर पढ़ा, वर्ड पढ़ा, वर्ड पढ़ने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो, अगर आप ऊपर से पढ़ रहे हैं तो, अगर आपको पिछला वर्ड पढ़ना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। हमें पेज शुरू से, अगर इसको पेज को शुरू लाना है तो हमें होम की को दबाना पड़ेगा, जो कि ये होम का बटन है, तो हम शुरू पर आ गए और नीचे एंड वाले बटन को दबाएंगे तो ये देखिए जिंदगी और रहन सहन में कोई बधे बधाए REDMI है लास्ट में पृष्ठ टू एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह ये पेज अगर पुराना आ गया हम ऐसे कर सकते हैं गुनाहों का होम पर जाएंगे गुनाहों का देवता एंड पर जाएंगे तो एंड पर आएगा। पेज सिलेक्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमें जैसे एक अक्षर को सिलेक्ट करना है, जैसे हमें पूरा अक्षर नहीं सिलेक्ट करना, हमें एक अक्षर को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, टेब 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 गुनाहों का है तो हमें टेब गु चुना गया न चुना गया हो चुना गया। तो इसमें आप अलग अलग एक एक अक्षर चुन सकते हैं। अगर हमें वर्ड चुनना है, पूरा अक्षर ही चुनना है तो रवि टेब गुण देखिए, तो वर्ड अगर हमें चुनना है तो कंट्रोल गुनाहों चुना गया। ये देखिए एक एक पूरा शब्द चुन लिया इसने कंट्रोल शिफ्ट एरो से, का चुना गया, का चुना गया देवता चुना गया, देवता चुना गया केरज रिटर्न चुना गया। देखिए सारी एक साथ चीजें हैं, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो बस आप एक बार लेफ्ट एरो कर दीजिए, सारा हट जाएगा। अब आपको हमने बताया कि किस तरह से आप एक जो है मतलब करेक्टर को पढ़ सकते हैं, एक वर्ड को पढ़ सकते हैं और एक करेक्टर को चुन सकते हैं, एक वर्ड को चुन सकते हैं। अब हमें एक लाइन पढ़ना है पूरी, तो हम क्या करेंगे, डाउन एरो करेंगे, लेखक धर्मवीर भारती भाग वन रिक्त रिक्त क्योंकि खाली है लाइन रिक्त। इस उपन्यास के नए संस्करण पर दो शब्द लिखते समय मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या लिखूं अधिक से। ये देखिए पूरी लाइन पढ़ रहा है, अगर हमको पूरा पेज ही पढ़ना है तो क्या करना है, इंसर्ट प्लस डाउन एरो। अगर आपका लैपटॉप है तो कैप्स लॉक प्लस डाउन एरो करेंगे, तो इंसर्ट प्लस डाउन एरो करते हैं। इस उपन्यास के नए संस्करण पर दो शब्द लिखते समय मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या लिखूं अधिक से अधिक। मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता उन सभी पाठकों के प्रति व्यक्त कर सकता हूं जिन्होंने इसकी कलात्मक अपरिपक्वता के बावजूद इसको पसंद किया है। मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा है जैसा पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना, और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वह प्रार्थना मन ही मन दोहरा रहा हूँ। बस
धर्मवीर भारती अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। अच्छे से कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर आप लोग करेक्टर वाइज करेक्टर भी कर सकते हैं, और जैसे आपको अब एक लाइन चुननी है, जैसे आप अभी मैंने आपको बताया था करेक्टर कैसे चुना जाता है, करेक्टर कैसे पढ़ा जाता है, वर्ड कैसे पढ़ा जाता है, वर्ड कैसे चुना जाता है। अब हमको क्या करना है कि जैसे हमें एक लाइन चुनना है पूरी, तो हम शिफ्ट प्लस डाउन एरो करेंगे। जिंदगी और रहन सहन में कोई बधे बधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव चुना गया। चुना गया कि पूरी लाइन चुन ली उसने। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर सिर्फ मैं चाहता हूं कि ऊपर वाली लाइन को ही मैं बार बार पढ़वाऊं, तो क्या करूंगा, मैं इंसर्ट प्लस अप एरो करूंगा एक बार। इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है, ऐसा लगता है कि इस शहर की इलाहाबाद का नगर देवता। प्लस जैसे ही मैं अप एरो कर रहा हूं तो ये मतलब लाइन को जो है वापस बार बार पढ़ रहा है ऊपर वाली लाइन को। तो आप अगर कोई जैसे अंग्रेजी में बड़ा काम आता है, जब अंग्रेजी की स्पेलिंग सम करते हैं तो वो क्या, वो कई बार स्पेलिंग नहीं बोलता है, तो आप इस तरह से आप इसको सुन सकते हैं। अगर पुराने इस उपन्यास के तो ये चीज आपने देखी कि किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको पूरा पेज ही सिलेक्ट करना है तो फिर आप जो है कंट्रोल प्लस ये दबा सकते हैं, तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां से कॉपी कट या जो भी कुछ इसके साथ आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये वर्ड में कुछ रीडिंग कमांड्स हैं जो कि अगर आप इनका उपयोग करें तो आप बहुत अच्छे से जो है वर्ड को सीख पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास आप इसमें पढ़ पाते हैं। ये मैंने सारे उपन्यास हिंदी समय से कॉपी किए थे क्योंकि मुझे शौक है उपन्यास पढ़ने का। मेरे पास चंद्रकांता उपन्यास भी पूरा पढ़ा है, इसमें कॉपी कर रखा है मैंने, तो वो मैंने वर्ड में कॉपी किया था ताकि हम लोगों को बाद में कभी पढ़ना हो तो फिर नेट का सारा नहीं लेना पड़े, वर्ड में कॉपी हो जाता तो पूरा सुना देता ये। तो ये है, तो आप भी इस चीज़ का उपयोग करें और अच्छे अच्छे उपन्यास पढ़ें। मैंने अंग्रेजी इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा सेशन हिंदी में चलता है, इसलिए मैंने हिंदी का ही उपन्यास आपको पढ़कर सुनाया है। इसी तरह हम और भी बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास सर जो अपन ये वर्ड में कॉपी करते हैं तो ये मंगल फॉन्ट में करता है। बिल्कुल सर, मंगल फॉन्ट, क्योंकि मंगल फॉन्ट में ही तो लिखा हुआ है ना वहां से पीछे, तो इसलिए मंगल फॉन्ट में ही कॉपी करता है वो। तो आपको कैसी लगी पहले तो बताइए, आवाज समझ आ रही है इसकी? बिल्कुल बल्ले बल्ले, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ये आवाज है कल्पना की, आप सुन रहे होंगे इसको, तो एक एक चीज को ये बहुत पढ़ती है। आप कोई भी उपन्यास, कोई भी नाटक, काफी सारे मैंने कॉपी करके रखे हैं इसमें, वो आप लोगों के लिए इसलिए कॉपी किए, मैंने कहा चलो आपको अच्छे से रीडिंग कमांड बता दी जाए। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं इसमें वर्ड में, लिखने की कमांड हम कल। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट सर, जरा मैंने किसी मीटिंग में जाना है इसलिए प्लीज सॉरी। तो संदीप जी, एक तो ये आपने जो वर्ड सिलेक्ट किया था, करेक्टर सिलेक्ट किया था, है ना, ये कमांड जो है वो दोहरा दे एक बार, ठीक है? सिर्फ सबसे पहले करेक्टर अगर हमें चूज करना है, सेलेक्ट करने के लिए बताऊं, रीड करने के लिए बताऊं? नहीं, सेलेक्ट करने के लिए। देखिए, जैसे अधिक मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञ, एक अक्षर अगर हाँ मैं बता रहा हूँ, इलाहाबाद का, जैसे इलाहाबाद बोला इसने तो मेरे को एक अक्षर सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस राइट एरो करूंगा मैं। ई चुना गया, ला चुना गया, हाँ चुना गया, है चुना गया, ये इसने जो है एक एक करेक्टर चुना है। ए, अब हम वर्ड जो है चुनेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एरो दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो का चुना गया, नगर चुना गया, डैश चुना गया, देवता चुना गया, जरूर चुना गया, ठीक है? अगर हमें लाइन सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो करना है। कोई रोमांटिक कलाकार है, ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई चुना गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी और पूछे गुरमीत जी, सर कुछ पूछना चाहते हैं तो? नहीं बस ठीक है, मैं अब आपसे इजाजत लूंगा क्योंकि मुझे। हाँ संदीप सर, हाँ बिल्कुल बोले सर। पैराग्राफ जब पढ़ना हो तो उसके लिए पैराग्राफ के लिए भी आपको बताते हैं, पैराग्राफ को कैसे करते हैं। तो आप थोड़ा सा 609 वर्ण चुना गया,
पूरा पैराग्राफ हमने चुन लिया, आप यहाँ से इसको एक एक लाइन करके आप जिस हिसाब से पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हैं पूरा। गर्ल है। अब जब पैरा जब सिलेक्ट हो जाता है इसके अंदर तो ये उसको मतलब पिंक कलर का कर देता है, क्योंकि मैंने इसको वो कर रखा है, क्या बोलते हैं उसको, पिंक कलर का कर रखा है। तो इस हेलो, हाँ कुलदीप सर नमस्ते। सुनिए मुरारी जी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप पैरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मैं दिखाता हूँ आपको। 609 वर्ण चुना गया, तो पिंक कलर कर देगा उसको, मैं आपको दिखाता हूँ। 743 वर्ण चुना गया, 743 वर्ण, यानी कि एक पैराग्राफ में 713 वर्ण है एक पैराग्राफ में, समझ गए आप। तो इसको एंड या शुरू से कर सकते हैं, पूरा पैरा भी हमें पढ़ के सुना देगा। पृष्ठ 2, एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक, ठीक है ना, ये ऐसे पढ़ देगा पूरी चीज। आप पेंटिंग गर्ल है, पहले सर सावधान, पहले इसको कंट्रोल, अगर सिर्फ पढ़ना है ना तो कंट्रोल डाउन एरो से पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ से पढ़ना, अगर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल, कंट्रोल डाउन एरो से भी पढ़ सकते हैं। अभी देखिए, पूरब के आसमान की गुलाबी पाखुरिया बिखरने लगी थी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। जो हम वैसे, मैं तो कंट्रोल डाउन से ही पढ़वाता हूँ। या पेंटिंग गर्ल है, लिफ्ट बोलिए, टू पीपल है, बोलिए सर। तो ये शिफ्ट डाउन और नहीं, शिफ्ट डाउन और कंट्रोल डाउन, इसका क्या सर, शिफ्ट डाउन का तो मतलब हो गया ना सर, शिफ्ट डाउन का मतलब तो एक ही लाइन पड़ेगा शिफ्ट डाउन से। तो ये देखिए, पूरब के आसमान पड़ेगा, पेंटिंग गर्ल है, ठीक है ना। अगर अपन कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो सारा, हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रख कर कहा, यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह। सर, संदीप सर, जैसे डाउन एरो अकेला करते हैं तो भी लाइन पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डाउन एरो अकेला करोगे तो भी लाइन पड़ेगा। शिफ्ट डाउन एरो तो क्या वो सिलेक्ट हो जाएगी ना सर लाइन, डाउन एरो से तो सीधे अलग पड़ता है, शिफ्ट डाउन एरो से लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। नहीं, जो सिलेक्ट करके पढ़वाना फिर दोबारा पड़ेगा। नहीं सर, सिलेक्ट हम जब सेलेक्ट करते हैं ना सर, तो वो पढ़ता नहीं, वो करेक्टर बता देता है कि इतने करेक्टर है। फिर पढ़ने के लिए तो अपने पास रीडिंग कमांड, तो अगर उनको सिर्फ रीडिंग ही करना है तब तो फिर कंट्रोल डाउन एरो, या फिर आपको लाइन पढ़नी है तो डाउन एरो, या फिर आपको पूरा ही पेज पढ़ना है तो इंसर्ट प्लस डाउन एरो से पढ़ना है। रजिंदर मोंगा है, नहीं मतलब मान लीजिए हमने शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट कर लिया, तो ये पूरा पैरा सिलेक्ट कर पूरी लेगा। हाँ, पूरा तो उसके बाद सुन लो, शिफ्ट डाउन एरो से सिर्फ, शिफ्ट डाउन एरो से सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट करता है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चार्ट डाली, अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो, चुना गया। ये देखिए, ये पूरी लाइन इसने पढ़ के इसको चुन सेट कर दिया, लेकिन जब हम पैरा चुनेंगे तो पूरा पैरा नहीं पढ़ता, ये बोल देगा वर्ड। हाँ हाँ, ये देखिए, अब ये भी पढ़ दिया इसने, सारा पैरा भी पढ़ दिया चुनने के लिए, ये भी कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, पूरा पैरा आपको पढ़ के सुना देगा। मैं आपको शुरू से एक थोड़ा इसको शुरू से ले, पूरब के आसमान चलते चलती है, पैरा पढ़ के सुनाएगा, चुना गया, ठीक है ना, ये पूरा पैरा पढ़ के सुनाया गया, फिर से दबाते हैं। बोलिए बोलिए, ये कह रहा हूँ कि मान लो शिफ्ट डाउन एरो से हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसको पढ़वाने के लिए तो सिर्फ डाउन एरो ही पढ़वा लेंगे, या मतलब कंट्रोल डाउन करेंगे तब पूरा पैरा पड़ेगा। सर, पैरा तो कंट्रोल डाउन एरो से ही पढ़ता है, वो शिफ्ट डाउन एरो से तो कॉपी होती है लाइन, आप समझे ही नहीं मेरी बात को, शिफ्ट डाउन एरो लाइन सेलेक्ट होती है, कॉपी कर सकते हैं। हाँ, शिफ्ट डाउन एरो से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप पैरे को कॉपी कर सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल डाउन एरो से आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो, और डाउन एरो से आप लाइन पढ़ सकते हो, लेफ्ट एरो से आप करेक्टर पढ़ सकते हो, राइट एरो से भी करेक्टर पढ़ सकते हो, और शिफ्ट प्लस लेफ्ट राइट एरो से आप वर्ड पढ़ सकते हो, तो इस तरह से ये कुछ कर सकते हो, समझ आया आपको। एक चीज नई सीखने को मिली, जैसे आपने इंसर्ट स्पेस दबाया ना जो पोज करने के लिए, ये बढ़िया नई चीज है। हाँ, एक काम करना, अपना NVIDIA का जो लास्ट ट्यूटोरियल मैंने बनाया ना कमांड कीज वाला, वो आप सुनना एक बार टेक्नो विद फ्रेंड्स पे, अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उस वीडियो को, तो आप वो वीडियो सुनना, आपको काफी अच्छी अच्छी कमांड NVIDIA की मिलेगी उसमें। अच्छा। तो ये कल्पना को हम NVIDIA में भी चला सकते हैं? बिल्कुल, ये NVIDIA में ही चल रही है कल्पना, जॉज नहीं चल रहा है। सर, ये कल्पना को डाउनलोड करने वाला जो है वो मैंने बताया था सर, मैंने वो भी बताया था। देखिए, कल्पना को अगर आपको डाउनलोड करना है
आपको सेटिंग में जाना है कंप्यूटर की, विंडो प्लस आई से लैंग्वेजेस में जाना है, लैंग्वेज में हमको लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाना है, वहां पर आपको ऐड लैंग्वेज आपको चुनेंगे, ऐड लैंग्वेज में आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, हिंदी को जैसे सेलेक्ट करोगे डाउन करोगे तो वो बताएगा उसके अंदर टेक्स्ट टू स्पीच और सब कुछ बताएगा, तो आप उसमें से सब चीजें जो भी डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड पे क्लिक करेंगे विद इन सेकेंड्स। अगर आपके कंप्यूटर में मीटर्ड कनेक्शन नहीं है, अच्छा नेट कनेक्शन है, तो वो विद इन सेकेंड्स डाउनलोड होकर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। हाँ वो किया था मैंने सर, लेकिन कीबोर्ड ही सक्सेसफुल नहीं हुआ वो सर। कारण ये है आपके पास विंडोज 7 होगी तो कल्पना और हेमंत नहीं बोलेंगे आपके कंप्यूटर में। विंडो 10 है सर, 10 10 में बोलेंगे बिल्कुल, विंडो 10 है सर। और 10 में तो जैसे आपने कहा कि ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी, पर उसका बैकअप कैसे रखेंगे? बैकअप नहीं रहता सर इसका, ये कुछ चीजें इनका बैकअप होता ही नहीं आजकल। पहले तो क्या LIP हाई करके एक फाइल बना करती थी विंडो 7 में, तो विंडो 7 अनइंस्टॉल होती थी तो वापस भी हम उसे कॉपी कर लेते, लेकिन इसमें नहीं होता वो, ये बात है। ओके ओके, ये चीज है। ओके सर, तो आपको आज कैसा लगा ये चीज? नहीं आज तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, पर बस वही है कि थोड़ी सी चीजें जो एक पहेली सी है। कौन सी? तो बोलिए क्या पहेली सी पूछिए मुझसे। नहीं यही कि मतलब जो आपने कहा कि ये मतलब डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते हैं, वो मैंने भी ये देखी थी पर हुई नहीं मुझसे इंस्टॉल, ये मतलब वो मेरे से भी नहीं हुई जब भी दोनों। एक काम करना सर, आप जब इंस्टॉल सुन लो, आप जब इंस्टॉल करने बैठो ना तो मुझे फोन कर लेना, मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा। रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं वो आप तो चलो करवा दोगे। चलो ठीक है ना। तो ये जो चीज आज आप लोगों के लिए वर्ड में एक नई चीज मैंने बताई, क्योंकि रीडिंग अपन जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, हम क्या कि धीरे धीरे सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं संदीप सर, आपने पोज के लिए क्या बताया? इंसल्ट। एक काम और करना, आप एक काम करना सर, आप जब ये पूरा हो जाए कोर्स, तो आप एक काम करना अपना वो उसमें टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर जाना, वहां पर आप इसको सुन लेना, आपको NVIDIA का ट्यूटोरियल मिलेगा आपको, तो आपको उसमें पूरी कमांड मिलेगी सारी बताई हुई मेरी। हाँ ठीक है, अंदर पा दो जरा। ओके सर ठीक है ना सर। और बताइए, हिंदी समय एक साइट है, वहां से आप उपन्यास डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, साइट का क्या नाम है सर? हिंदी समय। मैं आपको वो साइट अभी खोल कर बताता हूँ, रुकिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका जो है शादी की सालगिरह आंटी जी, और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सुन रहा था तो पार्टी लूंगा तो चलिए हम हिंदी समय साइट को खोल लेते हैं फटाफट से। तो मैंने टाइप, आप चाहे उस पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल स्पेलिंग बता दो जरा। क्या टाइप किया सर? HINDISAMAY। बटन वॉइस का उपयोग करके खोजें, बटन पिच छवि का बटन मेनू बटन मुख्य मेनू सूची के मेनू बटन पिच का 136G वॉइस का उपयोग करके खोजें, बटन पिच छवि का बटन मेनू बटन मुख्य मेनू सूची के मेनू बटन पिच का 136000 परिणाम मेनू HTTP शीर्षक स्तर 2 लिंक HINDISAMAY.com हिंदी साहित्य सब के लिए। ये देखिए, बोला आपने HINDISAMAY.com हिंदी साहित्य सब के लिए। एंटर करते हैं। पेज लोड हो रहा है। पेज लोड हो रहा है। अरे कौन से के लिए लोड हो रहा है? ये पेज लोड हो गया हमारा हिंदी समय। देखिए सूची के लोड करना HINDISAMAY। सुनिए, तालिका 4 पंक्तियों और वन स्तंभ के साथ, पंक्ति 1 स्तंभ 1 तालिका 2 पंक्ति। लिंक उपन्यास, पहला है उपन्यास। लिंक कहानी, फिर है कहानी। लिंक कविता, फिर है कविताएं। लिंक व्यंग्य, फिर लिंक है व्यंग्य। लिंक नाटक, नाटक। लिंक निबंध, निबंध। लिंक आलोचना, आलोचना। लिंक विमर्श, आपको क्या देखना है जैसे कोई। लिंक व्यंग्य, लिंक कविता, लिंक कहानी, लिंक उपन्यास। उपन्यास पे मैं एंटर कर देता हूं। पेज लोड हो रहा है। इसकी आवाज सुन रही है आप सभी को? अभी भी लोड हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी सुन रही। पेज लोड हो रहा है। हिंदी सुनने का मजा ही कुछ और है। लोड करना पूर्ण हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। रोम मनीष, लिंक नाटक,
कल्पना कहाँ से मिलता है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। लिंक हमारे रचनाकार, लिंक संपर्क, संब टूशी, लेखक क्रम, लिंक अलिंक आदि। लेखक क्रम है यहाँ पर ऐसे आ से ई से, तो देखिए शीर्षक स्तर व अलिंक ए टैब दबाएंगे ए लिंक आएगा आ लिंक ए लिंक ई लिंक उ लिंक उ लिंक ए लिंक ए लिंक ओ लिंक। शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री, शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक अज्ञेय की आप उपन्यास पढ़ सकते हैं। शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक अद्वैत मल्ल वर्मन, अद्वैत वर्मन है इसमें। शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक अनवर सुहेल, अनवर सुहेल। शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक असग्र वजाहत, शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक असग्र वजाहत, असग्र वजाहत। शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक इंदिरा गोस्वामी, इंदिरा गोस्वामी। शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक गोहन सिंह कांजम, शीर्षक शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक करिशन चंदर, शीर्षक आपके चरण पकड़ लूंगा। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक करिश्मा दत्तपाली, शीर्षक क्लिक योग्य नोकिया, शीर्षक क्लिक योग्य स्तर थ्री लिंक जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद पे अपन एंटर करेंगे। शीर्षक जयशंकर, पेज लोड हो रहा है, पेज लोड हो रहा है, हमारा लोड करना पूर्ण हुआ। तालिका लिंक, अब इसके बारे में सुनेंगे लिंक विमर्श, इनके बारे में जानकारी बताएगा पहले। लिंक ब्लॉग समय, जन्म 30 जनवरी 1889, जन्म है इसका 1889 30 जनवरी। भाषा हिंदी, विधायक, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी। मुख्य कृतियां, मुख्य कृतियां कौन कौन सी हैं? रिक्त, काव्य, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये इसकी काव्य रचनाएं हैं। नाटक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, अजात शत्रु, विशाख ए, ये नाटक नोकिया टू है, गुड काम, नोकिया टू, कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल, ये कहानियां हैं। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास है। निधन, निधन कब हुआ इनका? इरावती पढ़ा है मैंने। 14 जनवरी 1937, 14 जनवरी 1937 को। स्तंभ टू, स्तंभ थ्री हिंदी समय में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। हिंदी समय पर कौन कौन सी रचनाएं उपलब्ध हैं इनकी, मैं दिखाता हूं आपको। रिक्त, रिक्त सूची 79 आइटमों के साथ उपन्यास। लिंक कंकाल, पहला है कंकाल उपन्यास उपलब्ध है यहाँ पर। लिंक छोटा जादूगर, छोटा जादूगर एक नाटक है, बहुत ही अच्छा नाटक है, मैंने टीवी पर देखा था, बहुत ही जबरदस्त नाटक है, वो पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। कहानियाँ, लिंक बेड़ी, बेड़ी कहानी है यहाँ पर इसमें। लिंक अगोरी का मोह, लिंक अपराधी, अपराधी। लिंक इंद्रजाल, इंद्रजाल। लिंक करुणा की, लिंक कला, चलिए हम इसमें से कोई कहानी सिलेक्ट कर लेते हैं। लिंक करुणा, करुणा की विजय को सिलेक्ट करते हैं। करुणा की विजय, पेज लोड हो रहा है, लोड करना खुल गया हमारा पेज। लिंक विविध, लिंक, लिंक संग्रहालय, आगे शीर्षक लिंक एफबी, लिंक बहलाता है, इसी निकल आती जयशंकर प्रसाद, करुणा की विजय, कहानी का शीर्षक है करुणा की विजय, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। रिक्त, रिक्त सामने संध्या धूसरती, जल की एक चादर बिछी है, सीढ़ी बना दी है, कौतुक यह है कि उस पर भी हरी हरी धूप जम गई है, उस सीढ़ी बना दी है, कौतुक यह है कि उस पर भी हरी हरी धूप जम गई है, उस बालू की सीढ़ी की ऊपरी तह पर जाने कब से एक शिला पड़ी है, कई वर्षाओं ने उसे अपनों किया टू है, द मीटिंग साहब, कई वर्षाओं ने उसे अपने पेट में पचाना चाहा, पर वह कठोर शिला गल न सकी, फिर भी निकल ही आती थी, नंदलाल उसे अपने शैशव से ही देखता। राजू सिंह, बहुत बढ़िया, ये इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अब मैं, बहुत बढ़िया यार, जूम विंडो मीटिंग, ओके 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 ओके,
तो ये कुछ आज का रहा, हमने हिंदी समय की आपको साइट को खोलकर बताया अच्छे से, और माइक्रोसॉफ्ट एज में खोल के बताया। लोग कहते हैं ना एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट एज पे नहीं चलता, तो मैं उस पे आपको एज को, एज पर माइक्रोसॉफ्ट एज पर आपको एनवीडिया को मैंने सक्सेसफुली चलाकर बताया है, और वो भी हिंदी टीटीएस के साथ। अरे आप सर, तो बले बले। संदीप सर, सर ये जैसे आपने कल्पना के अंदर साइट को खोला और वहां से इस उपन्यास को रीडिंग करना शुरू कर दिया, तो ये सीधा ही रीडिंग करना शुरू कर देगा या किसी कमांड में जाना पड़ेगा? कोई कमांड नहीं है, डाउन एरो करते रहो अपने आप, बस वो पेज जैसे ही उस पर लिखा आएगा वो पढ़ना शुरू करेगा। आप जो मैंने बोलिए, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता है क्या इसमें? सर उपन्यास डाउनलोड नहीं होता है, लिखा हुआ है ये, वहां पर लिखा हुआ है ये, तो इसको कॉपी किया जा सकता है। ओके, डाउनलोड तो फिर वो 300-400 पेजेस का रहता है, वो पूरा खुल जाता है? बिल्कुल पूरा खुल जाता है, आप कॉपी कर सकते हो, अलग अलग लिंक आएगा। कन्वर्ट कर लो ना, कन्वर्ट कर लो ईपीएफ फाइल में। उसमें क्या होता है, अलग अलग लिंक आते हैं सर, जैसे एक भाग पूरा हो गया फिर लिंक आगे ऐसा लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे आगे पढ़ना शुरू करो फिर उसको। okay, मतलब स्टेप बाय स्टेप कॉपी करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ। बहुत, मैंने तो बहुत उपन्यास कॉपी किया सर, क्या बात करते हो, मुझे बहुत शौक है। संदीप जी अपना ये जो ईपीएफ हम उस फाइल में यदि कन्वर्ट करना चाहें फाइल में कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल टेक्स्ट है ये, तो वर्ड वाला टेक्स्ट है, e-texting बोलते हैं जिसको, वो टेक्स्ट आप इसको कॉपी कर सकते हो कहीं भी। नहीं तो ईपीएफ फाइल में कैसे होगा ये? हां सर कुलदीप जी, सर सुनिए ना। यस, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो पूरी फाइल है, मतलब पूरी जो उपन्यास है, कहानी है या उपन्यास है जो भी है, उसको पूरा का पूरा कॉपी करके उसको आप वर्ड में कर लो, और वो जो गो टू ऑप्शन रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें आप विविध पेज पे, जो भी पेज पे आप स्टॉप करते हो, वो पेज पे जाके दोबारा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं, वो पढ़, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कॉपी करने की जरूरत नहीं। सही है, बहुत बढ़िया, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये है, तो आशा आपको अच्छा लगा होगा आज का ये हमारा प्रयास। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बिल्कुल सर। तो कल हम और कुछ और चीजें लेकर आएंगे आपके लिए, नई सी चीजें सोची है मैंने जो लेकर आऊंगा। सोमवार से हम बात करेंगे हिंदी पर, हिंदी टाइपिंग शुरू करेंगे, इंग्लिश फिर हिंदी। तो सर पर प्लीज कल एक ये चीज जरूर बताना कि ईपीएफ में इसको कन्वर्ट कैसे करना है, ईपीएफ फाइल। बिल्कुल बताएंगे, इसके बारे में जानकारी जुटाऊंगा, पहले मुझे भी पता नहीं है ना, मैं पता करके बताऊंगा आपको। मतलब नहीं है सर, आप at worst allowed reader सीधा ही पढ़ सकते हो उसको, टेक्स्ट फाइल को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो कुछ एक केबी में या एक आध एमबी में ही वो सारा, इतनी बड़ी, इतना बड़ा उपन्यास वो उस फाइल में सेव हो जाता है। सर ये भी केबी में ही बनता है, आपका कोई ज्यादा बड़ा केबी में नहीं बनता है ये वर्ड वाला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या फिर नोटपैड का छोटा छोटा ही होता है, केबी में ही रहता है। मेरे पास पूरा पेजों का उपन्यास, दो गुनाहों का देवता पूरा उपन्यास पड़ा है, वो केबी में ही है। वो तो कुछ 300-400 पेज का है वो उपन्यास। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छा उपन्यास। अरे वो तो बहुत अच्छा है यार, मैंने ब्रेल में पढ़ रखे है ये, जब मैं स्कूल में होता था मैंने इरावती पढ़ा है, इरावती गुनाहों का देवता तो नहीं पढ़े। तो यही बात है, तो ठीक है मित्रों, इजाजत दीजिएगा मुझे, अब आपसे मिलते हैं कल, कल आपके लिए कोई नई चीज लेके आएंगे, कल कोशिश करेंगे आपसे एक बनाने। सर मुझे फोन करेंगे मीटिंग के बाद, मेरे से नंबर डिलीट हो गया। थैंक यू सर।